हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का सब्जेक्ट है इनकम टैक्स एंड लॉ। इनकम टैक्स लॉ की ये यूनिट वन है। जैसा कि आपको पता है कि यूनिट वन के मैं दो लेक्चर जो हैं आपके कोर्स वाइज पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। ये जो यूनिट वन का लेक्चर थ्री है, टॉपिक जो इसमें मैं कवर अप कर रही हूँ वो है रेजिडेंस एंड टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है, एंड इनकम विच डज़ नॉट पार्ट फ्रॉम द टोटल इनकम। तो हम रेजिडेंस के बारे में बात करेंगे, नागरिकता के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि मेरे लेक्चर्स जो हैं वो यूज़फुल हैं, मैं पूरी इनकम टैक्स की सीरीज़ डालूँगी, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं लेक्चर अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है यूनिट वन का जो कोर्स है वो मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। तो पहला पार्ट मैं यूनिट लेक्चर वन में कवर अप कर चुकी हूँ। लेक्चर टू में मैंने ये वाला पार्ट कवर किया। लेक्चर थ्री में मैं ये वाला पार्ट कवर कर रही हूँ एंड लेक्चर फोर में मैं डिडक्शन वाला पार्ट कवर करूँगी। उसके बाद मैं सैलरी वाला स्टार्ट कर दूँगी। न्यूमेरिकल सैलरी वाले वीडियो मैं जल्दी डालूँगी स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइए। साथ ही साथ अगर स्टडी करते जाएंगे तो आपका जो ये टॉपिक है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है रेजिडेंस एंड टैक्स लाइबिलिटी, तो पहले हम बात करते हैं रेजिडेंस। रेजिडेंस का मतलब होता है नागरिकता। देखिए, अगर हम भारत के नागरिक हैं, रेजिडेंट हैं, सिटीजन हैं, तभी हम टैक्स देंगे। तो पहले हमने आपको जब इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जब भी हम टोटल इनकम फाइन करते हैं तो टोटल इनकम को फाइन करने से पहले सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि हम नागरिकता को फाइन करेंगे, हम रेजिडेंशियल स्टेटस को फाइन करेंगे कि क्या वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है या नहीं है। अगर वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है तभी हम उसकी टोटल इनकम पर टैक्सेबिलिटी फाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा हमें याद रखना है। तो ये इस चार्ट के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगी कि रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। रेजिडेंशियल स्टेटस को सेक्शन सिक्स में, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, पेपर आपका किसी भी पैटर्न में आ सकता है, ठीक है। एमसीक्यू वैसे तो आपका सिक्स सेमेस्टर है, अगर जो लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं तो आपको पता होगा कि सिक्स सेमेस्टर जो है वो हमारा एमसीक्यू पैटर्न आता है, बट जिनका सब्जेक्टिव है मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आपकी स्टडी कराऊंगी। तो रेजिडेंशियल से हालांकि शॉर्ट नोट आता है आपसे, अगर मान लीजिए सब्जेक्टिव आता है तो शॉर्ट नोट पे आपको इंडिविजुअल रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में आपकी बेसिक कंडीशन और जो ऑर्डिनरी कंडीशन या फिर एडिशनल कंडीशन है वो शॉर्ट नोट में ज़रूर आता है। अगर एमसीक्यू आएगा तो स्टूडेंट्स आपसे सेक्शन ज़रूर पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात करते हैं सेक्शन सिक्स में, बट अगर हम बात करें रेजिडेंट ऑफ एसएससी के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इसके बारे में बात करता है सेक्शन फाइव। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सो इसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है रेजिडेंशियल स्टेटस, कि मतलब एक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं क्या वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है भी या नहीं है। तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया, अब आपको पता है कि पर्सन की डेफिनेशन हमने आपको सेक्शन 31 में बताई थी कि पर्सन में किन किन लोगों को इंक्लूड करते हैं, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, LLP, AOP, BOI और कंपनी एंड अदर एवरी पर्सन्स। तो ये सभी लोगों को हम पर्सन्स की कैटेगरी में जो है वो इन्वॉल्व करते हैं, और ये सारे ही पर्सन्स जो हैं वो टैक्स पेयर हो सकते हैं। इसके बारे में हमने एसएससी में बात की थी, एसएससी के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 9 में। प्लीज़ स्टूडेंट सेक्शन ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर एमसीक्यू पैटर्न पे आता है आपका एग्ज़ाम तो सेक्शन आपसे ज़रूर पूछा जाता है। ओके, सो अगर हम बात करते हैं, देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंडिविजुअल एंड HUF, और फर्म, कंपनी, AOP, BOI एंड कंपनी, ठीक है। सो इसमें रेजिडेंशियल स्टेटस अगर हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल और HUF, तो या तो वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। ध्यान रखिएगा, या तो वो रेजिडेंट होगा मतलब भारत का निवासी होगा या अनिवासी होगा, ठीक है। अगर वो रेजिडेंट है तो हमें ये फाइन करना है कि रेजिडेंट है क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, मतलब साधारण निवासी है या असाधारण निवासी है। तो ये चीज़ हम कैसे फाइन करेंगे कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, या अगर वो रेजिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, जिसको हम लोग आर भी कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में RONR, ठीक है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ हम कैसे फाइन करेंगे, अब ये क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए हम फर्दर अभी देखेंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं फर्म
LLP, AOP, BOI या फिर कंपनी के केस में हम दो ही चीज़ पे फाइन करते हैं, या तो वो रेजिडेंट होंगी या वो नॉन रेजिडेंट होंगी। उसमें हम लोग ऑर्डिनरी एंड नॉन ऑर्डिनरी फाइन नहीं करते हैं, ये सिर्फ हम लोग HUF और इंडिविजुअल के केस में फाइन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि कैसे हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस को फाइन करेंगे। ओके, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू द रूल एंड प्रोविजन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 4 में हमें ये बताया गया है कि इनकम टैक्स इज चार्जेबल ऑन द नेट इनकम ऑफ अ पर्सन इन अ प्रीवियस ईयर। मतलब सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 4 हमें यह बताता है कि इनकम टैक्स जो होती है वो चार्ज करते हैं नेट इनकम पे जो भी पर्सन प्रीवियस ईयर में अर्न करता है। बट अगर हम लोग बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में, तो कैलकुलेशन ऑफ द इनकम टैक्स डिपेंड अपॉन द रेजिडेंशियल स्टेटस। हम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन तभी करेंगे जब वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा। सो प्रीवियस ईयर में वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है तो हम देखेंगे कि हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड करेंगे कि सिटीजनशिप कैसी है। ठीक है, सो सिटीजनशिप को डिटरमाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है 1950 के आर्टिकल पारा 5 में कि वेयर द रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। मतलब आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 के आर्टिकल में बताया गया है पारा 5 में कि हम लोग सबसे पहले जो है रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड करेंगे। और हमने जैसे कि आपको पहले ही बताया है कि अगर इंडिविजुअल HUF होगा तो या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। अगर वो रेजिडेंट होगा तो या तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, और इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे कंडीशंस की बात कर लेते हैं कि हम कैसे फाइंड करेंगे कि वो रेजिडेंट है या नहीं है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे भी बताई है स्टूडेंट कि रेजिडेंशियल स्टेटस बात करता है सेक्शन 6 के बारे में। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है, सेक्शंस रेजिडेंशियल स्टेटस बात करता है सेक्शन 6 के बारे में, बट इंडिविजुअल का अगर हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस बात कर रहे हैं तो वो सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 होगा। बट HUF के अगर हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस की बात कर रहे हैं तो सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2 होगा। बट इसकी जगह पर अगर कंपनी AOP BOI है या पब्लिक अथॉरिटी है, सॉरी लोकल अथॉरिटी है, तो उसके बारे में बात होती है सेक्शन 6 के सबसेक्शन 2। HUF फर्म, AOP लोकल अथॉरिटी, इन सभी के बारे में सेक्शन 6 के सबसेक्शन 2 में, बट कंपनी के बारे में बात की गई है सेक्शन 6 के सबसेक्शन 3 में। ओके, और फर्दर मैंने आपको जैसा कि बताया ही है कि इंडिविजुअल और HUF के केस में या तो वो रेजिडेंट होगा या नॉन ऑर्डिनरी, या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा, मतलब तो निवासी होगा या अनिवासी होगा। अगर रेजिडेंट होगा तो क्या वो साधारण निवासी है या साधारण अनिवासी है, तो ये चीज़ हमें फाइन करनी है। अब इसके लिए स्टूडेंट्स हमको देखनी है कंडीशन। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी रेजिडेंशियल स्टेटस की समझ लीजिए जान है, यही आपको सिर्फ अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सो ये हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, हम सिर्फ यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस की कंडीशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम जानेंगे कि क्या वो रेजिडेंट मतलब भारत का निवासी है या नहीं है। तो हमारी सरकार कहती है, मतलब हमारे इनकम टैक्स एक्ट में बताया गया है कि हम कभी भी जब भी हम रेजिडेंशियल स्टेटस फाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि डज द इंडिविजुअल स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, टू टाइप के ईयर होते हैं, एक तो प्रीवियस ईयर होता है, एक असेसमेंट ईयर होता है। प्रीवियस ईयर के बारे में बात की गई सेक्शन 3 में और असेसमेंट ईयर के बारे में बात की गई सेक्शन 2 के सबसेक्शन 7 में। प्रीवियस ईयर क्या होता है, अगर मान लीजिए हमने 2019-20 में जो इनकम अर्न करते हैं उस पर टैक्स देते हैं हम 2021 में, तो ये हमारे लिए प्रीवियस, जिस ईयर इनकम हम अर्न करते हैं वो हमारे लिए प्रीवियस ईयर होता है, जिस ईयर हम लोग टैक्स पे करते हैं वो हमारे लिए असेसमेंट ईयर होता है। ये हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कंडीशन बताई गई, हम कैसे फाइंड करेंगे कि कोई भी पर्सन रेजिडेंट है या नहीं है, या तो वो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। तो रेजिडेंट होने के लिए ये दो बेसिक कंडीशंस हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक कंडीशन, ये दो बेसिक कंडीशन है। कौन सी बेसिक कंडीशन है, कि कोई भी इंडिविजुअल भारत में 182 दिन या इससे ज़्यादा प्रीवियस ईयर में रहा हो। क्लियर, पहली बेसिक कंडीशन क्या है कि डज द इंडिविजुअल स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जिस ईयर वो इनकम अर्न कर रहा है उस ईयर में वो 182 दिन से ज़्यादा रहा हो, अगर वो ये बेसिक कंडीशन पूरा कर लेता है
ठीक है, तो वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ रेजिडेंट होगा स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बट अब ये दोनों कंडीशन है, बेसिक कंडीशन दो है, तो क्या हमें दोनों पूरी करनी है? नहीं, इन दोनों बेसिक कंडीशन में से अगर कोई भी एक कंडीशन पूरी होती है तो वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा। बट अगर दोनों में से दोनों ही कंडीशन को पूरी नहीं करता है तो वो क्या होगा? नॉन रेजिडेंट होगा। क्या होगा? नॉन रेजिडेंट, जिसको हम लोग NR कहते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन कहती है कि अगर किसी इंसान को भारत का नागरिक होना है तो या तो पहली कंडीशन पूरी करे कि वो भारत में प्रीवियस ईयर में 182 दिन या इससे ज़्यादा रहा हो, या फिर डज़ ही स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब अब इसके साथ में दो कंडीशन ऑलरेडी, मतलब इस कंडीशन में दो कंडीशन है, ये दोनों ही उसको पूरी करनी होगी कि प्रीवियस ईयर में वो 60 दिन कंटिन्यू रहा हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, यहाँ पे कंटिन्यू की बात नहीं है, मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्या है हमारा 1920 है, 1920 में मान लीजिए अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। अब 1 अप्रैल टू 31 मार्च में वो जनवरी में रहा, सॉरी मार्च में रहा, सॉरी अप्रैल में रहा, फिर मई में नहीं रहा, जुलाई में रहा, अगस्त में रहा, फिर जून में नहीं रहा, मतलब कंटिन्यूटी नहीं है। बट पूरे साल में वो मिलाकर कितने दिन रहा हो? 182 दिन रहा हो। बट इसमें क्या है? इसमें ये कहा गया ही स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज, उसमें 60 डेज जो है वो 2 महीने, 60 डेज और मोर, इससे ज़्यादा 60 डेज मिनिमम है, 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, जो भी रिलेवेंट प्रीवियस ईयर होगा उसमें वो 60 दिन कंटिन्यू रहा हो। और दूसरी चीज़ क्या है इसी के साथ में? और 365 दिन रहा हो, 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ओके, चलिए ये समझते हैं ये क्या है। देखिए इसमें कहा गया है आपसे कि 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 प्रीवियस ईयर। अब मान लीजिए प्रीवियस ईयर हमारा ये है 1920, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर हमारा क्या है, 1920 है। ओके, ये हमारे लिए प्रीवियस ईयर है, तो ये हमारे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर हमारे लिए ये है। जो असेसमेंट ईयर है जिसमें हम टैक्स दे रहे हैं वो ये है। यहाँ पे पूछा गया है कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के पहले वाले फोर प्रीवियस ईयर इमिडिएटली प्रिसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, इससे पहले के फोर प्रीवियस ईयर क्या हो जाएंगे? 1819, 1718, 1617 और 1516, मतलब ये 4 साल हो गए। इन चारों सालों में मिलाकर वो कितने दिन भारत में रहा हो? 365 डेज, क्लियर है। इन चारों सालों में मिला के वो 365 डेज रहा हो, ये कंडीशन तो उसको पूरी करनी ही करनी है। और रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर ये वाला है, इस ईयर में वो कंटिन्यू 60 डेज रहा हो, तो अब आपको समझ में आ गया, मतलब ये कंडीशन अगर उसको पूरी करनी है तो ये भी पूरी करनी होगी। तो इसमें मान लीजिए उसने ये कंडीशन पूरी नहीं की, बट ये कंडीशन पूरी कर ली, ये कंडीशन पूरी नहीं करता है बट ये वाली कंडीशन यस यहाँ पे लिखा है, मतलब पूरी कर ली। अगर ये कंडीशन पूरी कर ली, ये कंडीशन पूरी नहीं की, ये कंडीशन पूरी कर ली, तो वो क्या बन गया? रेजिडेंट बन गया। क्या बन गया? रेजिडेंट बन गया। बट अगर ये भी कंडीशन नो लिखा है पूरी नहीं की, और ये भी कंडीशन नो लिखा है पूरी नहीं की, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट। ये इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी कर लेता है तो वो निवासी तो बन जाएगा, ठीक है। बट साधारण निवासी या असाधारण निवासी, इसके लिए हम नीचे देखेंगे कंडीशंस क्या है। बट इन दोनों कंडीशन को पूरी नहीं करता है तो वो अनिवासी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। दो बेसिक कंडीशन में से कोई एक कंडीशन पूरी करनी है, ठीक है, रेजिडेंट होने के लिए, निवासी होने के लिए। अब हमने चलिए ये पता कर लिया, मान लीजिए इसमें से कोई एक कंडीशन, उसने ये कंडीशन पूरी कर ली, ठीक है, ये कर ली, ये नहीं की, यहाँ पे यस है, यहाँ पे नो है, मतलब एक यस होना चाहिए, ठीक है, बेसिक कंडीशन नहीं पूरी कर ली, तो हमें ये तो पता चल गया कि वो रेजिडेंट है। अब कंडीशन आती है कि क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो ये कैसे हम पता करेंगे? उसके लिए मतलब हमारे पास दो एडिशनल कंडीशन है, और एडिशनल कंडीशन के बारे में बताया गया सेक्शन 6 के सब सेक्शन 6 और क्लॉज ए में। दो एडिशनल कंडीशन है, अगर वो ये दोनों ही एडिशनल कंडीशन को पूरा करता है,
कोई भी पर्सन मतलब इन दोनों में से एक कंडीशन और ये दोनों कंडीशन बेसिक कंडीशन में से एक कंडीशन पूरा करके वो रेजिडेंट तो बन जाएगा, बट क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ROR है या RNOR है? और रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो एडिशनल कंडीशन अगर वो दोनों पूरी करता है तो वो ROR हो जाता है, मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बट अगर वो दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन पूरी करता है एडिशनल कंडीशन और एक भी नहीं करता है तो वो क्या होगा, कोई भी एक करे तो भी वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, अगर दोनों ही नहीं करता तो भी वो नॉट ऑर्डिनरी ही रेजिडेंट कहलाएगा। अब बेसिक कंडीशन के अलावा एडिशनल कंडीशन क्या है हम इसके बारे में बात करेंगे। सो एडिशनल कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया है डज इंडिविजुअल सेटिस्फाई बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, इन दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। कौन सी कंडीशन है, ही इज़ रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी टू प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग ईयर, ठीक है, प्रीसीडिंग का मतलब समझ गए, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर मतलब 19-20 ये हमारा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है, इससे पहले के 10 साल। अब मैं कैलकुलेट नहीं करूँगी, आप लोग जैसे कि मैंने 4 साल पीछे गई थी वैसे आप 10 साल पीछे चले जाइएगा, उन 10 सालों में 2 साल भारत में रहा हो, ठीक है, उन 10 सालों में कोई भी 2 साल भारत में रहा हो, और इसके अलावा ही स्टे हिज स्टे इन इंडिया इज फॉर 730 डेज और मोर ड्यूरिंग दी 7 प्रीसीडिंग ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, ये रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है, इसके हम 7 साल पीछे चले गए, 7 ईयर्स में जो भी 7 ईयर पीछे हैं आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे कि मैंने 4 ईयर कैलकुलेट कर दिया, आप 7 साल पीछे जाइएगा, उन 7 सालों में मिला के कितने डेज भारत में रहा हो, 730 डेज या इससे ज़्यादा। अगर ये दोनों ही कंडीशन वो पूरी करता है स्टूडेंट्स तो वो कौन हो जाएगा, तो वो रेजिडेंट के साथ में ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करे या एक भी ना करे तो वो रेजिडेंट तो होगा बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट होगा, ऑर्डिनरली या ऑर्डिनरी एक ही चीज़ है, उसमें कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। क्लियर, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिक कंडीशन में अगर वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो रेजिडेंट हो जाएगा, अगर एक भी नहीं करता है तो वो नॉन रेजिडेंट होगा, अगर बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करने के एडिशनल कंडीशन दोनों पूरी करता है तो वो ROR होगा, अगर दोनों में से कोई एक पूरी करता है या एक भी नहीं करता है तो वो RNOR होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसी के बिहाफ पे हम ये फाइन करते हैं कि वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है या नहीं है, अगर वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी इंडिया में काउंट होगी, मतलब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल इनकम, अदरवाइज हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। सो इंडिविजुअल का ही स्टूडेंट्स मेन है, बाकी HUF फॉर्म का कभी नहीं आता है क्योंकि उसमें भी यही सारी कंडीशंस हैं, तो उसका सेम है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, कंडीशन सेम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेरा टॉपिक, जैसे कि आपने देखा होगा इंडेक्स में है कि नेक्स्ट हमारा क्या है, इनकम विच डज नॉट पार्ट फ्रॉम द टोटल इनकम, ओके सो इनकम विच डज नॉट पार्ट ऑफ द टोटल इनकम की चलिए बात कर लेते हैं कि ये इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी इनकम तो है, हम इनकम है बट वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं है, हमें इनकम तो अर्न हो रही है बट वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं है, और जब वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं होगी तो वो क्या नहीं होगी, टैक्सेबल भी नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा है इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि द वेरियस आइटम्स ऑफ द इनकम, मतलब बहुत सारे आइटम है इनकम में, इट्स रिफर्स टू द डिफरेंट क्लॉजेज ऑफ सेक्शन 10, सेक्शन 10 में डिफरेंट क्लॉजेज में बताया गया है एक्सक्लूड फ्रॉम द टोटल इनकम। देखिए सेक्शन 10 में वो सारी इनकम्स बताई गई हैं जिनको टोटल इनकम से एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का मतलब है अलग रखा गया है, जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं है मतलब उन पे हमें टैक्स नहीं देना है। टोटल इनकम ऑफ एन SSC एंड दीज इनकम आर कॉमनली रिफर्स टू द एग्जिम्ड इनकम, एग्जिम्ड इनकम का मतलब होता है वो इनकम जिस पर हमें सरकार को कर नहीं देना होता है, टैक्स नहीं देना होता है। तो सेक्शन 10 में वो सारी इनकम्स इंक्लूड होती हैं, जितनी भी इनकम है, चलिए बात कर लेते हैं कौन सी इनकम है, तो फुल्ली एग्जिम्प्टेड इनकम, एग्जाम्पल के लिए बात कर लेते हैं, कुछ इनकम ऐसी हैं जो पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड है जिन पे हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है, फॉर एग्जांपल शेयर ऑफ इनकम ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, या फिर मेंबर ऑफ HUF, एजुकेशन स्कॉलरशिप, ये ऐसी इनकम्स होती हैं जिन पे हमें कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। इसके अलावा इनकम एग्जेम्प्ट अप टू सर्टेन लिमिट, मतलब कुछ इनकम ऐसी होती है जो एक सर्टेन लिमिट तक एग्जेम्प्ट होती है, उसके बाद हमें टैक्स देना, इसके लिए एग्जाम्पल हम लोग बात कर लें
HRA, ये हम लोग अभी सैलरी में पढ़ेंगे भी, इनकम फ्रॉम सैलरी एट में, हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, कंप्यूटेड पेंशन अलाउंस, लीव इनकैशमेंट, VRS, कंपनसेशन. सो ये इनकम ऐसी होती हैं जो एक सर्टेन लिमिट तक एग्जेंट होती हैं. जैसे कि अगर हम लोग HRA की बात कर लें, इसमें आप लोग देखोगे जैसे कि चाइल्ड एजुकेशन की बात कर लें, तो गवर्नमेंट कहती है कि चाइल्ड एजुकेशन में आपको 100 रुपये एक बच्चे पर और पर मंथ, मतलब एक महीने का 100 रुपये, तो 12 महीने का कितना हो गया, 1200 रुपये. एक बच्चे का नहीं, आपको दो बच्चे का अलाउ होता है, तो कितना हो गया, 2400 रुपये एग्जेंट होगा टोटल इनकम में. जितनी भी हमारी टोटल इनकम होगी उस पर 2400 रुपये पर हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है, तो एक सर्टेन लिमिट तक एग्जेंट है. तो ये होता है हमारा वो इनकम, जो इनकम तो है बट टोटल इनकम का पार्ट नहीं है, एग्जेम्प्ट है, उस पर हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है. तो आज के लेक्चर में मैंने आपके दो टॉपिक को कवर किया है. ये मेरा थर्ड लेक्चर है, सिर्फ मेरा इस यूनिट में एक लेक्चर बचा हुआ है, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी. और ये टॉपिक स्टूडेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम. अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गई, और ये सबसे टफ है, तो इसको मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी कि आपको चीज़ें ईजिली लर्न हो जाएं. इसमें बहुत सारे डिडक्शंस हैं, डिडक्शन 80C to 80U, ये मैं आपको ब्रेक में कर करके बताऊंगी, क्योंकि इसमें 80C है, 80CCC है, CCD है, तो बहुत सारी है हमारी इनकम. तो मैं कोशिश करूंगी कि एक लेक्चर में कवर अप हो जाए, बट अगर एक में नहीं होता है तो मैं दो वीडियो अपलोड करूंगी इसके. सो आई होप कि इसके साथ में, और इसका यूज़ भी है, आप आगे जब मतलब यूनिट 3 में पढ़ोगे तो डिडक्शन आपके काम आएंगी. तो आपको अच्छे से पढ़ना है, चाहे आपका पेपर MCQ में आए या फिर आपका सब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव आता है तो भी डिडक्शन लिखने के लिए आती हैं. सो आई होप कि आपको इस लेक्चर के साथ में ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा. अगर किसी की कोई भी क्वेरी है, कोई पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आया है, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए, ताकि मैं उसको नेक्स्ट टॉपिक में टेकअप कर लूँ, ले लूँ और आपको क्लियरली समझा दूँ, ठीक है. और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोस अपलोड करती रहूं. आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स.